हाय एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और उसी का पहला चैप्टर विच इज योर ट्रांसपोरेंट प्लांट्स हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। और उस वजह से अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी एक 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 करके हम सारे चैप्टर्स देख लेंगे पांचों। अगर कोई वीडियो स्किप हो गया सो यू विल बी मिसिंग इट आउट, तो इसलिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि और वीडियोस आपके आते रहें, ठीक है। सो नाउ मेल्विन कैल्विन की अगर हम बात करें, ठीक है, द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये सोचा कि जो चीज तबाही मचा रही है उसी से कुछ अच्छा भी किया जाए, ठीक है ना। मेल्विन कैल्विन के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम कैल्विन साइकिल भी पढ़ेंगे एंड वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट्स की अगर हम बात करें, अगर हम ये सोचें कि जी हमको तो डॉक्टर बनना है, हम प्लांट्स के बारे में क्यों पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है दैट मेडिसिन के लिए भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एंड प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं विच आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कई सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कहीं ना कहीं आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है पूरी, कोई एक प्रोसेस मैं आपको समझाऊं और वही मैं बता दूं प्लांट्स में कैसे होता है, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इसीलिए प्लांट फिजियोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू स्टडी, ठीक है। चलिए ना मेल्विन कैल्विन इनके बारे में हम आज पढ़ते हैं। देखें, Born in Minnesota in April 1911, received his PhD in chemistry from the University of Minnesota. Minnesota, again, आपके अमेरिका में, ठीक है। वहां इन पे ये बॉर्न हुए थे 1911 में और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी टिल हिज PhD, ठीक है, वो भी वहीं पे आपकी कंप्लीट की थी। He served as professor of chemistry at the University of California, Berkeley में। तो कैलिफोर्निया में बर्कली में इन्होंने प्रोफेसर बन के अपनी जो पढ़ाई थी वो स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक चीज आपको ये समझनी है कि जो प्रोफेसर होते हैं उनका काम सिर्फ ये नहीं होता है आए लेक्चर दिया और चले गए। यूनिवर्सिटीज में देर आर रिसर्च प्रोग्राम्स जिसमें आपके बहुत सारे प्रोफेसर्स साइंटिस्ट जो हम कहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे ही आपकी कंटिन्यूस रिसर्चेस जो हैं वो चलती रहती हैं। इवन टुडे ग्रांट्स मिलते हैं प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटीज को, किसी पर्टिकुलर चीज पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए। सो वाइल ये प्रोफेसर थे वहां पे, ये अपनी रिसर्च भी कर रहे थे। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू व्हेन द वर्ल्ड वॉज अंडर शॉक आफ्टर द हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग्स एंड सीइंग द इल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कैल्विन एंड को वर्कर्स पुट रेडियो एक्टिविटी टू बेनिफिशियल यूज। वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से कि बुरी चीज जो हुई थी वो थी हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग्स। ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भी हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें ये सबसे दर्दनाक चीज जो रही होंगी पूरी हिस्ट्री भर में उनमें से ये एक है, बिकॉज आज भी आफ्टर सो मेनी ईयर्स, अब तो कुछ सालों में, कुछ 24-22 ईयर्स में, राइट, 100 साल हो जाएंगे, उसमें भी इवन टुडे अभी भी वहाँ पे बेचारे जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो इसके इल इफेक्ट से अभी भी यू कैन से कि जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं अभी भी। सो 1945 में जब वॉर ख़त्म हुआ तब इन्होंने ये देखा कि रेडियो एक्टिविटी को किस तरीके से खराब तरीके से यूज़ किया, पर इनके दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर खराब तरीके से यूज़ किया गया है वी कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर अ बेटर मीन्स, हम एक अच्छाई के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। Now, he along with J.A. Basham studied reactions in green plants forming sugar and other substances from raw materials like carbon dioxide, water and minerals by labeling the carbon dioxide with C14, जो आपका radioactive है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे plants जो photosynthesis perform कर रहे थे और उनमें sugar बन रही थी, ठीक है, उन्होंने आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जा रहा था, वाटर यूज किया जा रहा था, मिनरल्स यूज किया जा रहा था, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने लेबल कर दिया, यानी कि ये वाला इंट्रोड्यूस किया सो दैट हमको एग्जैक्टली समझ में आए कि पाथ क्या है, किस तरीके से आपका जो फोटोसिंथेसिस है। सी हमें पता है धूप आ गई, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली स्टोमेटा से, वाटर अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल है, फोटोसिंथेसिस हो गया, बट कैसे हुआ,
हाउ इज द प्रोसीजर कमिंग अलोंग, एक एक चीज कैसे हो रही है, इवेंट्स क्या है, जो हम कहते हैं ना इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये इवेंट्स कौन कौन से थे, ये देखने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। और इसीलिए फिर जो रेडियो एक्टिव कार्बन था आपका, उसको लेबल करके हमने इंट्रोड्यूस किया ताकि हम समझ सकें। Calvin proposed that plants change light energy to chemical energy by transferring an electron in an organized array of pigment molecules and other substances. Light आई, ठीक है, यहां से आपके क्लोरोफिल में चेंज होते जा रहे हैं, अल्टीमेटली जो आपकी लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। सो ये सब समझना कब पॉसिबल हुआ, जब कैल्विन ने और उनके साथियों ने रेडियो एक्टिव कार्बन को लेबल करके इंट्रोड्यूस किया टू स्टडी फोटोसिंथेसिस। द मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस अर्न्ड हिम नोबेल प्राइज इन 1961। सो 1961 में, ठीक है, व्हेन ही वाज 50 इयर्स ऑफ एज, उनको नोबेल प्राइज दिया गया था कि हमको एग्जैक्टली अब जितने भी इवेंट्स हो रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो रहा है, आज तो हम बड़े मजे से कहते थे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बट ही वॉज द वन जिनकी वजह से हमको ये पता चला था। राइट नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एज एस्टैब्लिश्ड बाय कैल्विन आर एट प्रेजेंट बीइंग यूज्ड इन स्टडीज ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एनर्जी and materials and basic studies in solar energy research. So, see, science में ऐसा नहीं होता कि आपने एक चीज़ study की तो वो उसी चीज़ तक सीमित रह गई। जब हम science में कोई चीज़ study करते हैं तो उसकी applications और भी कई जगह होती है। जेनेटिक्स का example लीजिए, हमें पता चला DNA ऐसा है, ऐसे क्रोमोसोम है, ये है वो है, हमने उनकी कितनी सारी applications बना दी। बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं, हम सिंथेटिक प्रोसेस से अपने लिए इंसुलिन जैसी चीज़ें बना रहे हैं जो हमारे लिए आज रूटीन लाइफ का हिस्सा है। ठीक है, सो ये सब एप्लीकेशन है। तो इसी तरीके से एक चीज जब आपको मिल जाती है, जब एक प्रोसेस आपको पता चल जाता है, तो आप उसकी कई सारी एप्लीकेशन बनाते हैं, आप कहीं ज्यादा उसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि इससे हम एज मैनकाइंड कितना बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थी इनकी रिसर्च जिसमें हमें पता चला लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी क्लोरोफिल से होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, ये ओरिजिनल पिक्चर है जब मेलविन कैल्विन को नोबेल प्राइज मिल रहा था 1961। ये है आपके मेलविन कैल्विन एंड ही इज द स्वीडिश किंग, ऑब्वियसली स्वीडन में दिए जाते हैं आपके नोबेल प्राइज। सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस रिसर्च इज कि उसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, सो विद दिस हमने थोड़ा बहुत जाना मेलविन कैल्विन के बारे में। कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, उनके यूनिवर्सिटीज प्रोसेस क्या था, कलीग का नाम याद रख लीजिए, कौन से ईयर में नोबेल प्राइज मिला था, अब हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं उन स्टडीज को, बस इतना याद रख लीजिए। आपके लिए शायद हो सकता है एक आध एमसीक्यू आ जाए तो आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, सो मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट जब हम ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स फुल फ्लेज्ड स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंट्रोडक्शन बेसिक नॉलेज टू वन बाय वन प्रोसेसेस आपके जो चलते जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले से पढ़ के रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अब मैंने बता दिया है कि आपके साथ हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एटलीस्ट पढ़ लीजिए ताकि जब मैं उसे समझाऊं आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाए। कोई चीज़ इजी तो होती है बट अगर आप उसको और पहले से पढ़ लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाती है वो। ठीक है, चलिए, आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, हैव अ हैप्पी हैप्पी डे, पढ़ते रहिए, थैंक यू।